नमस्कार, आज हम बनाएंगे छल्ली। तो ये जो मार्केट में भुट्टे आ रहे हैं, आजकल भुट्टे का ही सीजन है, तो ये कच्चे भुट्टे मैं मार्केट से लाई हूँ। इसको छिल के इसका बाल वाल पूरा अच्छे से साफ़ करके धो लिया है मैंने, और मैंने 4 भुट्टे लिए हैं थोड़े छोटे साइज़ के, ताकि कुकर में आराम से आ जाए। अगर नहीं आए तो आधे से इसको तोड़ के हम बना लेंगे, तो मेरा ऐसे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको उबाल लेंगे। एक कुकर में मैंने पानी डाल दिया है, इतना पानी रहे ताकि हमारा जो भुट्टा है वो डूब जाए। तो इसके अंदर हम सारे भुट्टों को डाल देंगे, और इसी में हम डालेंगे 1/4 चम्मच एक छोटे चम्मच नमक, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको ढक्कन लगा के हम 1 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम कम करके 2 मिनट तक पका के हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो 1 सीटी आने देते हैं, उसके बाद हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे। फ्लेम कम करके 2 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और कुकर का बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम खोलेंगे इसको। प्रेशर निकल गया है, तो हमारे छल्ली भी उबल चुके हैं। अब हम निकाल लेते हैं इसको। तो मैंने इसको निकाल लिया और हल्का सा ठंडा हो गया है। ये मैंने मसाले लिए हैं, 1/2 नींबू लिया है या 1/2 छोटी चम्मच, काला नमक है, और एक काली मिर्च का पाउडर है, और ये चाट मसाला, और ये जो चिली लाल मिर्च आती है जो तीखी कम होती है, मैंने वो लिया है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, मसाले को आपस में मिक्स कर देते हैं। मसाले को मिक्स कर दिया है, अब नींबू के साथ इसको लेके और ऐसे हम मसाले लगाएंगे इस पर। सारे छलियों पे हम ऐसे मसाला नींबू से लपेट के ऐसे लगा लेंगे। देखिए मसाले वाली छल्ली बन के हमारी तैयार है खाने के लिए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।